ये जो लव जिहाद वर्ड हम लोग यूज करते हैं ये एक्चुअल में केरला में इन्वेंट हुआ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, दी केरला स्टोरी मूवी के ऊपर कितनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। तो ध्रुव राठी को दी केरला स्टोरी मूवी के ऊपर रिएक्ट और ओपिनियन देने के ऊपर काफी सारे थ्रेड्स मिल रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले भी ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं सबको रिप्लाई करते हुए केरला स्टोरी पर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो ध्रुव राठी ने फिर से यार ट्वीट करते हुए बताया कि उनकी जो फॉरनर वाइफ है उनके इंस्टा हैंडल पर और मेल पर काफी सारे रेप और डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। दीज आर काइंड ऑफ मैसेजेस माय फॉरनर वाइफ हैज बीन रिसीव्ड सिंस पास्ट डेज। और ये सभी वही लोग हैं जो फीमेल डेवलपमेंट का बात करते हैं, वही लोग ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं। और कल ध्रुव राठी ने कम्युनिटी मैसेज भी किया था, जहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को शेयर किया कि केरला स्टोरी वालों को एक डिस्क्लेमर लगाना होगा कि ये मूवी किसी ऑथेंटिक डाटा के ऊपर बेस नहीं है, और बताना होगा सभी को कि जो भी फिल्म में दिखाया जा रहा है बिल्कुल सच्चाई नहीं है। बाकी गाइस आप लोगों को इसके ऊपर क्या ओपिनियन, अपने ओपिनियन में कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस फाइनली नीतीश राजपूत ने भी द केरला स्टोरी के ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है, जहां पर उन्होंने ना ही राइट टीम को सपोर्ट किया ना ही लेफ्ट टीम को, और सिर्फ उन्होंने मूवी के फैक्ट के बारे में बातें की हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी नीतीश राजपूत का वाला वीडियो दिखाई देता हूं। मतलब होता है कि कुछ फैक्ट्स के साथ नाट्य रूपांतर करके इसको दिखाया जा रहा है, लेकिन जो बेस्ड ऑन होती है वो रियल स्टोरी पे बेस्ड होती है। तो आप इस मूवी को सही और गलत नहीं कर सकते, जहां पे डायरेक्टर फंसेगा वो कुछ ना कुछ बोल के निकल जाएगा। इसलिए मैं मूवी की बजाय एक्चुअल स्टोरी क्या थी वो डिस्कस करूंगा आपसे। तो देखिए केरला के अंदर कन्वर्जन काफी पुराना मुद्दा रहा है और अलग अलग कम्युनिटी केरला के अंदर इसको लेके एक दूसरे पे ब्लेम भी लगाती रहती है। केरला में ये मुद्दा 20 से 25 साल से चला आ रहा है। जो लोग केरला में रहते हैं अगर आप उनसे बात करोगे तो इस चीज को एग्री करेंगे। ये जो लव जिहाद वर्ड हम लोग यूज करते हैं ये एक्चुअल में केरला में ही इन्वेंट हुआ था, वो अभी बताऊंगा मैं आपको। देखिए ऐसा नहीं है कि केरला में ISI का कोई लिंक नहीं मिला या कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन अगर इस पे कोई मूवी बना रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेटा इस तरह से दे कि ISI का जो मुद्दा है, जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, वो भटक के हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन नेताओं ने इसमें घुस के नेशनल सिक्योरिटी का इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा उसको घुमा के हिंदू मुस्लिम। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पूरी देखनी है तो नीतीश राजपूत के चैनल पे जाकर वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। हम बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि एल्विश और यूके के बीच में पोर्से वर्सेस मुस्टैंग का एक ड्रैग रेस हुआ था, जहां पर एल्विश यादव की पोर्से ने UK 07 राइडर की मुस्टैंग GT को हरा दिया था। और कुछ ही दिन पहले एल्विश यादव ने जी वैगन वर्सेस पोर्से की एक ड्रैग रेस करी, जिसके बाद एल्विश यादव अपनी वीडियो में कहते हैं कि अगर आप 1,00,000 कमेंट करा देते हो इस वीडियो के ऊपर तो वो प्राइवेट जेट और पोर्से की रेस करवाएंगे। तेज कुछ नहीं है, बहुत से तेज तो मुझे लगता है लाइट की स्पीड से भगती है। भाई सुनो गाइस, अगर नीचे अगर इस वाली वीडियो पे 1,00,000 कमेंट आ गए ना, हम प्राइवेट जेट के साथ रेस करेंगे। हाँ भाई, मैं सोच रहा था प्राइवेट जेट के साथ रेस करने के लिए, इस पे 1,00,000 कमेंट आ गए ना इस वीडियो पे प्राइवेट। तो दोस्तों आप लोग एल्विश यादव की इस बात के ऊपर क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।